बच्चों मैट्रिक्स uh, uh, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स uh, है जिसमें अवयवों की संख्या एम इंटू एन है जो स्क्रीन पर आप मैट्रिक्स देख रहे हैं बच्चों वो वो उसके जो अवयव हैं एलिमेंट्स हैं वो रो वन में पंक्ति एक में ए वन वन ए वन टू ऐसा करते करते ए वन एन है इसी तरह से सेकेंड रो में सेकेंड पंक्ति में ए टू वन ए टू टू उसके अवयव हैं ऐसा करते करते ए टू एन है और इस तरह से रो वन रो टू और एम वे रो तक हम जाएं तो एम वे रो का जो पहला एलिमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों वो है ए एम वन एम टू ऐसा करते के एम थ्री करते करते लास्ट में हमको एम वे रो में लास्ट एलिमेंट मिल रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ए एम एन तो बच्चों जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं ये एम इन टू एन ऑर्डर का है और यदि हम इनके अवयवों की संख्या को गिनते हैं तो वो एम इनटू एन आएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो थ्री इंटू टू ऑर्डर का आ, कोई मैट्रिक्स है तो उसमें अवयवों की संख्या थ्री इंटू टू यानी छः एलिमेंट्स होंगे उसको जनरल रूप में सामान्य रूप में मैंने आपको एम इन एन के रूप में मैट्रिक्स को दिखाया बच्चों आप क्या जानते हैं कि मैट्रिक्स की जो आइडिया है सबसे पहले आर्थुल केली एक नाम के एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने अठारह में इसकी मैट्रिक्स की आइडिया दी बाद में जे जे सिल्वस्टर जेम्स जोसेफ सिल्वस्टर ने आयु मैट्रिक्स का सिद्धांत का उपयोग कर समीकरण के निकाय को हल करने का आइडिया दिया आ, नाम ध्यान रखेंगे बच्चों की जो मैट्रिक्स के सिद्धांत का उसके प्रिंसिपल का मैट्रिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग करके आ, सिस्टम को हल करने का जो सिद्धांत है वो जे जे सिल्वस्टर ने दिया था और मैट्रिक्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ वॉर्म है w ओ एम बी जिसका मतलब है बच्चा दानी से है और इस मैट्रिक्स में हम अवयों को आ, उसके एलिमेंट्स को सुव्यवस्थित ढंग से रोज़ में पंक्ति में पंक्तियों में कॉलम्स में यानि स्तंभों में सुव्यवस्थित ढंग से हम उसको रखते हैं बच्चों तो बच्चों वास्तव में जो मैट्रिक्स है आयु संख्याओं या फलों का एक आयता का क्रम का विन्यास है जिसके अवयव एलिमेंट्स जिसको कहते हैं वो रोज़ यानि पंक्ति और कॉलम माने स्तंभ में व्यवस्थित रखे जाते हैं और हम यह भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज ए कॉमन डिवाइस ऑफ समराइज डाटा जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जे जे सिल्वस्टर ने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल के सोलूशन को देने के लिए मैट्रिक्स uh, के सिद्धांत का उपयोग किया तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन uh, पर दिखा रहा हूँ आप देखिए ध्यान से कि दो वेरिएबल uh, वाले एक्स और वाई वेरिएबल के uh, दो लीनियर uh, इक्वेशंस आपके सामने हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन और दूसरा जो इक्वेशन है वो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू है इन जो इक्वेशन एक और दो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इक्वेशन को यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा तो पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ए वन बी वन फर्स्ट रो में है ए टू बी टू सेकेंड रो में है ये टू इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है और दूसरे मैट्रिक्स में एक्स वाई जो वेरिएबल इस लीनियर इक्वेशन में उपयोग में लाए गए हैं एक्स वाई इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल बराबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर ध्यान से देखिए वो भी टू इन वन ऑर्डर का है जिसके कॉलम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स सी वन सी टू है यानी कुल मिला के इक्वेशन नंबर थर्ड जो है लीनियर इक्वेशन वन और टू का आ, मैट्रिक्स फॉर्म है बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है सवाल ही उठता पहला वाला मैट्रिक्स टू इंटू टू ऑर्डर का है दूसरा वाला मैट्रिक्स टू इंटू वन ऑर्डर का है तो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या दो है और दूसरे मैट्रिक्स में का में रो की संख्या भी दो है तो दोनों मैच हो गई तो मिलने वाला जो मैट्रिक्स है वो टू इंटू वन ऑर्डर का है जो सी दू वन और सी टू है यदि इसका हम मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई ए वन एक्स प्लस बी वन वाई पहला एलिमेंट है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई दूसरा एलिमेंट है कॉलम में इजल टू सी वन सी टू है यदि इन दोनों मैट्रिक्स का जो इस तरफ लेफ्ट साइड में है स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए वो टू इंटू वन ऑर्डर का है और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है वो भी टू इंटू वन ऑर्डर का है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम तुलना कर सकते हैं तो हमें फिर से Uh, हम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू हमको मिलेगा बच्चों लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक संख्या है जो ए वन बी टू माइनस बी ए टू बी बी वन ये ध्यान से इस नंबर को देखिए ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इस संख्या के के मान से हम इस सिस्टम के जो सोलूशन है उसका निर्धारण कर सकते हैं कि वो पहला वो अद्वितीय हल रखता है कि अद्वितीय हल नहीं रखता है तो ये जो संख्या हमें मिली ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ये मैट्रिक्स जो पहला वाला मैट्रिक्स था रो में ए वन बी वन ए टू बी टू इसका डिटर्मेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ए वन बी वन रो में और ए टू बी टू और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमें यही संख्या मिलती है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इसलिए तो जे जे सिल्वस्टर ने कहा कि इस मैट्रिक्स के सिद्धांत का उपयोग करके हम आ, किसी समीकरण के निकाय का सिस्टम के सोलूशन का निर्धारण कर सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो अद्वितीय यूनिक सोलूशन रखता है कि नहीं रखता है तो कुल मिला के आपने ये देखा कि ये जो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू ही ये संख्या है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एक संख्या है वो संख्या ए वन बी टू माइनस हिंदी का चार बना कर आप इसको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट में तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन है जो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का ही मान है यदि इस संख्या ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन टू जीरो हो जाए बच्चों तो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए यदि ये जीरो हो जाएगा तो हमको इसके कैलकुलेशन करने का स्टेप बाय स्टेप हम कर इसका स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाए तो हमें एक रिज़ल्ट मिल रहा है कि ए वन बी टू इज इक्वल टू ए टू बी वन तो हमें एक शर्त मिलती है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू जो पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा था यदि इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन है और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इजिकल टू सी टू है और यदि ये कंडीशन मिलती है जिसमें मैंने कहा आपको कि ये संख्या जिससे निर्धारण हो रहा है इस समीकरण के निकाय का कि इसके हल अनंत अनेक हल है कि अद्वितीय हल है इन्फिनिटी सोलूशन है कि उसके यूनिक सोल्यूशन है इसका निर्धारण ये संख्या कर रहा है और इसी संख्या से हमें एक शर्त मिल रही है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू यदि ऐसी संख्या मिलती है ऐसी शर्त मिलती है तो हम ये कहेंगे कि ये जो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये जो समीकरण है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई टू सी टू दो समानांतर रेखाओं को निरूपित करता है और समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो निकाय का उस सिस्टम का कोई हल नहीं होगा आ, ये समानांतर रेखा है इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी जिसका तुलना बच्चों हम हायर मैथमेटिक्स जो बारहवीं क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं कि हम ए ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन संख्या से ही जो आ, उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स बना था ए बड़े ए इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू उसके डिटर्मेंट ए वन बी वन ए टू बी टू का मान है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इस संख्या से आ, इसका निर्धारण हो रहा है यदि ये जीरो है तो इसका कोई हल नहीं है इस निकाय का कोई हल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी तो बच्चों अब हमने एक संख्या को पकड़ लिया जो बहुत ही यूनिक है आप बार बार स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन संख्या से ही इस सिस्टम का सल्यूशन uh, का निर्धारण होता है यदि पहले शर्त में मैंने इसको जीरो बताया आप दूसरी शर्त में ये कह दूं मैं कि यही संख्या जो उस डिटर्मेंट का मान है उस मैट्रिक्स ए के के डिटर्मेंट का मान है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ये इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो माइनस ए टू बी वन को यदि मैं पक्षांतर करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है कि ए वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू और इसको यदि और मैं सिंपलिफाइड करूँ तो मुझे शर्त मिलती है ए वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू बच्चों याद करिए कि टेंथ क्लास में पूर्व क्लास में आपने ये पढ़ा था कि ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है एक रेखाओं को निरूपित करता है और यदि ये शर्त मिलती है ए वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू तो ये दो असमानांतर रेखाओं को जो समानांतर नहीं है रेखाओं को निरूपित करता है तो निश्चित रूप से इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो समीकरण नंबर एक और दो में आपको दिखाया गया है दो रेखाओं को निरूपित करता है जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है प्रतिच्छेद करती है तो बच्चों उसका हल निश्चित रूप से होगा इसका यूनिक सोलूशन होगा तो जे जे सिल्वस्टर ने बड़ी रोचक चीज़ बताई कि ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मेंट है और उस डिटर्मेंट का मान ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन है इस संख्या से ही हम इस सिस्टम के उस निकाय का हल के का निर्धारण करते हैं कि उसका अद्वितीय हल है कि नहीं है और आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि दो नॉट इक्वल टू के केस में कि ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के केस में हमें रिज़ल्ट मिल रहा है ए वन बटे ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू हमें रिज़ल्ट मिल रहा है कि दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है यूनिक पार्ट यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका यूनिक पॉइंट है अद्वितीय बिंदु है जो उसका हल है उस निकाय का हल है तो इसका निर्धारण आप स्पष्ट रूप से इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो बच्चों मैट्रिक्स की परिभाषा पर हम अब विचार करके देखते हैं तो जहाँ तक मैट्रिक्स या आयु की परिभाषा क्या है इसको सोचा जाए तो मैं यहाँ ये यह कहूँगा कि आयु जो है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार रेक्टेंगुलर uh, और स्क्वायर फॉर्म का वर्गाकार क्रम का एक विन्यास है अर्थात जो मैट्रिक्स है वो आयु जो है वो संख्याओं या फलनों के विन्यास अरेंजमेंट का संकलन है जो निश्चित रोज पंक्ति और निश्चित कॉलम यानी स्तंभों के रूप में होता है दूसरे रूप में मैट्रिक्स जो आ, एक के जो अवयव का अव मैट्रिक्स जो है एक आयु जो है एक अवयवों का समुच्चय है जो रोज़ या कॉलम में ये व्यवस्थित रखे जाते हैं तो कुल मिला के आपने ये देखा कि जो मैट्रिक्स है वो या तो हम संख्याओं को या फलों को सुव्यवस्थित रूप से रोज़ और कॉलम रोज़ मतलब इंग्लिश में आर ए डब्ल्यू एस होता है जिसको हम पंक्ति कहते हैं और कॉलम यानी कॉलम हमेशा खड़ा होता है स्तंभ के रूप में हम इसको व्यवस्थित करते हैं उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अवयवों को अब बच्चों आयु जो मैट्रिक्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे हम लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी या लास्ट में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड द्वारा मैट्रिक्स को व्यक्त किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है अब बच्चों हम आयु यानी मैट्रिक्स के आधारभूत सलकंप कल्पना आ, बेसिक कंसेप्ट पर हम विचार विमर्श करके देखते हैं तो बच्चों मान लीजिए कि एक क्लास में किसी टीचर ने एक टेस्ट लिया और टेस्ट में पांच प्रश्न पूछे और तीन विद्यार्थियों का जो टॉपर हैं उन बच्चों की हमने जांच परीक्षा में जो उनके प्राप्तांक है उनके नाम हैं दिशा यश और धवल उनके जो प्राप्तांक है इस प्रकार से है मान लीजिए जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनके प्राप्तांक है चार पाँच में से चार पाँच में से पाँच पाँच पाँच, पाँच चार ये दिशा के प्राप्तांक है और यस के जो प्राप्तांक है वो सभी टेस्ट में उसने 100 परसेंट मार्क्स लिए हैं पाँच में से पाँच 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 प्रश्नों में सभी में उसने पूरे अंक लिए हैं इसी तरह से धवल विद्यार्थी के जो प्राप्तांक है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है पाँच चार पाँच 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 कि दिशा यस, यस और धवल इसको क्रमशः हम उनके प्राप्तांकों को, को आ, किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम आ, मैट्रिक्स से जोड़ कर देखें तो हमें मैट्रिक्स आसान लगेगा तो बच्चों इस आ, इस प्रैक्टिकल को इस बात को इस कल्पना को इस सोच को यदि मैं सुव्यवस्थित रूप से इस तरह से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रो वाइज मैं प्रश्न एक दो तीन प्रश्न नंबर चार प्रश्न नंबर चार पाँच और कुल प्राप्तांक को रो में व्यवस्थित कर दूं और दिशा यश और धवल को खड़े रूप में वर्टिकल फॉर्म में कॉलम में लिख दूं तो उनके प्राप्तांकों को मैं सुव्यवस्थित कर सकता हूं जैसे आप पहले संकल्पना में आप देख रहे हैं कि दिशा को के चा प्राप्तांक प्रश्न नंबर एक में चार है प्रश्न नंबर दो में पाँच है प्रश्न नंबर तीन में पाँच है और प्रश्न नंबर चार में पाँच है और प्रश्न नंबर पाँच में चार है तो दिशा को कुल अंक तेईस मिले हैं इसी तरह से यश को सभी प्रश्नों में पाँच पाँच अंक मिले हैं तो उसके कुल प्राप्तांक पच्चीस है और धवल के प्राप्तांक आप देख रहे हैं प्रश्नोवाइज क्रमशः पाँच चार पाँच 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 है जिसके कुल प्राप्तांक चौबीस है तो हम इस रूप में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस रूप में इनके प्राप्तांकों को लिख सकते हैं या फिर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि नहीं सर ऐसा करते हैं कि इस प्रश्नों को जो आड़े में आपने पंक्ति में रो में सेट किया है उसको हम कॉलम में सेट करें यानी प्रश्न नंबर एक दो तीन चार पाँच को कॉलम में खड़े रूप में व्यक्त कर दें और आड़े में हम विद्यार्थियों को लें जो टॉपर है दिशा यश और धवल यदि मैं दूसरे रूप में स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं कि प्रश्नों को मैं खड़े रूप में कॉलम वाइज में रिप्रेजेंट करूं और विद्यार्थियों के नाम को दिशा यश और धवल को आ, रो वाइज़ में पंक्ति में यदि मैं लिखता हूं तो उनके प्राप्तांक इस प्रकार से होंगे कि दिशा के चार पाँच पाँच प्रश्न नंबर पाँच में चार प्रश्न नंबर चार में पाँच दिशा के कुल प्राप्तांक तेईस है और यश के प्राप्तांक जो है सभी प्रश्नों में प्रश्न नंबर एक में पाँच प्रश्न नंबर दो में पाँच इस ऐसा करते करते प्रश्न नंबर पाँच में पाँच तो कुल प्राप्तांक यश के क्लियर दिख रहे हैं पच्चीस और धवल को के जो प्राप्तांक है प्रश्न नंबर एक में पाँच और प्रश्न नंबर दो में चार इस तरह से टोटल आखिरी प्रश्न में प्रश्न नंबर पाँच में पाँच स्पष्ट नज़र आ रहा है चौबीस तो बच्चों ये जो स्क्रीन पर आपने देखा कि किसी एक डाटा को हमने उन डाटा क्या है उसके अवयव हैं मैट्रिक्स के आयु के अवयव हैं और उसको हमने सुव्यवस्थित ढंग से पहले रूप में प्रेजेंट किया जिसमें दिशा यश और धवल को हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा और प्रश्नों को रो वाइज़ में लिखा और सेकेंड सोच में हमने बात को पलट दी जो प्रश्न रो वाइज़ में लिखे थे उसको कॉलम वाइज लिख दिया और हमने विद्यार्थियों के नाम को रो वाइज़ में लिख दिया तो हम किसी भी रूप में आ, मैट्रिक्स को आयु को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके अवयवों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं